Hey my beautiful viewers, welcome to Empty Kitchen. आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट जैसे ही वेज हक्का नूडल्स. ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और कम से कम समय में सेम रेस्टोरेंट जैसे ही बन जाते हैं. चलिए इसे किस तरह से बनाते हैं ये देखते हैं. जब हम नूडल्स पकाते हैं ना, तब बारी बारी करके हमें सॉस डालना होता है. इसलिए मैं यहाँ पे एक ही बार में एक ही कटोरे में पूरी कितने कितने हमें यहाँ पे सॉस लेना है वो मैं यहाँ पे डालकर अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी. इस तरीके से करके रख लेने से हमें पकाने के वक्त टेंशन भी नहीं होती और जल्द से जल्द हम ऐड कर सकते हैं. इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून उतना सोया सॉस, 2 टेबलस्पून उतना रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून उतना ग्रीन चिली सॉस और 2 टेबलस्पून उतना टोमेटो केचप. इन सब सॉसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक साइड में रख लेंगे. और देखिए यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ले ली है और हमने इसे जिस तरीके से कट किया है उसी तरीके से आप भी कट कर लें, क्योंकि ये खाने में भी बहुत मज़ा आ जाता है और देखने में भी सेम रेस्टोरेंट जैसा ही लगता है. इसलिए आप भी इसी तरीके से कट कर लें. और मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून उतना लहसुन, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, रेड कैप्सिकम, एक छोटा साइज़ वाला प्याज, आधा उतना गाजर और थोड़ा सा कैबेज, 2 उतनी हरी मिर्च, ग्रीन कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम. आप यहाँ पे वेजिटेबल्स अपने हिसाब से ले सकते हैं. और मैंने यहाँ पे आज नूडल्स बनाने के लिए 200 ग्राम उतना नूडल्स ली हूँ. मैंने यहाँ पे लिया है बड़ा सा पतीला और इसमें मैंने ऐड कर लिया है 2 लीटर उतना पानी और उसी के साथ यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ 1/2 टेबलस्पून उतना नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल. कुकिंग ऑयल ऐड करने से नूडल्स चिपकते नहीं हैं, इसलिए आप भी ऐड कर लें. और पानी को अच्छे से उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छे से उबाल आने के बाद में ही हमें यहाँ पे नूडल्स को ऐड करना है, उसके पहले नहीं ऐड करना है. और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी भी अच्छे से उबाल आने लगा है और इसमें मैं ऐड करती हूँ 200 ग्राम उतना नूडल्स. नूडल्स डालने के बाद अच्छे से हमें एक बार मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हमें नूडल्स को तोड़ कर नहीं डालना है, ऐसे ही ऐड करना है. और इसे लगभग हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, मतलब यहाँ पे नूडल्स 80% उतने पक जाने चाहिए. हमें यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं पकाना है, सिर्फ 80% उतना ही हमें यहाँ पे पका लेना है. और देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 80% उतने पक चुके हैं, मैंने हाथ से भी आपको दिखाया है. आप भी इसी तरीके से 80% उतने पका लें और अच्छे से स्ट्रेन करके इसे एक साइड में रख लीजिए और पानी को फेंक दीजिए. और देखिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें ऐड करने जा रही हूँ लगभग 4 से 5 टेबलस्पून उतना ऑयल. ऑयल को भी हम यहाँ पे अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं और ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है. इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ लहसुन की कलियाँ और लहसुन की कलियों को डालने के बाद हम लगभग कुछ सेकेंड्स तक उसे पका लेंगे, क्योंकि अच्छे से कच्चापन दूर हो जाना चाहिए. तब तक हमें इसे यहाँ पे पका लेना है. और देखिए यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं ग्रीन चिलीज और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कुछ सेकेंड्स तक. और अच्छे से यहाँ पे मिक्स भी हो चुका है और यहाँ पे ऐड कर देंगे हम ऑनियन और गाजर. लगभग हम 1 मिनट तक इसे पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर. हमें यहाँ पे बहुत देर तक नहीं पकाना है, मतलब थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए इसलिए हम यहाँ पे पका लेंगे, मतलब सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए. और देखिए यहाँ पे मैं इसी में ही ऐड करने जा रही हूँ कैप्सिकम. यहाँ पे मैंने 3 कलर के कैप्सिकम ली हूँ, आपको जो मिलते हैं आप वो ऐड करें इसमें. और उसी के साथ साथ कैबेज. और अच्छे से इन सब्जियों को हम कुछ सेकेंड्स तक मिला लेंगे. और इसके ऊपर से मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टेबलस्पून उतना और स्वाद अनुसार नमक. मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही नमक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सॉस में पहले से ही नमक रहता है, इसलिए आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं. और इसके ऊपर से मैं यहाँ पे इन नूडल्स ऐड कर रही हूँ. हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े करके ऐड करते जाना है और उसके ऊपर से हम यहाँ पे सॉस जो बनाया था ना, हम इसके ऊपर से यहाँ पे डाल देंगे. आप भी इसी तरीके से सॉस बना कर रख लें, क्योंकि आसानी हो जाती है पकाने के वक्त. देखिए अच्छे से हमने यहाँ पे डाल लिया है और अच्छे से नूडल्स को मिक्स कर लेंगे. पूरी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है कुछ सेकेंड्स तक.
और देखिए जल्द से जल्द मिक्स भी हो जाता है। और अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे गैस के फ्लेम को भी यहाँ पे बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट जैसा ही बन जाता है खाने में। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, देखिए देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी बनाई हुई वेज हक्का नूडल्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एमटी किचन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि बढ़िया बढ़िया सी वीडियो जल्द से जल्द मिल सके।